नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। देश भर में आज संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। 31 मार्च 1990 को उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने न सिर्फ आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई। हर साल उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अपने आप को इतिहास में अमर करने वाले अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा। आइए जानते हैं उनके जीवन के संघर्षों के बारे में। संविधान के रचयिता B.R. अंबेडकर, बाबा साहब की 130वीं जयंती आज मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित। इतिहास में अमर हो गए बाबा साहब। देश में आजादी की लड़ाई जोरों पर थी। हर तरफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे थे और गोरे भी भाप गए थे कि अब भारत को तोड़ पाना मुश्किल है। और इसी दौरान एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जो युगों युगों तक उज्जवल हो गया। वो दिन था 14 अप्रैल 1891 में जन्मे बाबा साहब की साल 130वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती के दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। उन्होंने देश से जाति प्रथा और समाज में कुव्यवस्था को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका मानना था कि सभी जाति के लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार भेदभाव ना हो। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण आंदोलन में भी हिस्सा लिया। एक दलित परिवार से आने वाले B.R. अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत यातनाएं झेली, लेकिन कभी किसी कमजोर का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि वे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और राज करते हैं। उन्हें आज भी उतने ही आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। देश के साथ साथ विदेशों में भी उनकी जन्म जयंती को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन बाबा साहब के कामों के बारे में लोगों को बताया जाता है। इतना ही नहीं, जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने की भी अपील की जाती है। जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके अलावा वाद विवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया और उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि किस तरह तमाम तकलीफों को झेलते हुए उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।